नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे। सब दोस्तों, साल की सबसे बड़ी पूनम, सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा इस बार है 9 अक्टूबर रविवार के दिन मनाई जाएगी। ये रविवार के दिन सुबह 3:41 से शुरू हो रही है, जो 10 अक्टूबर सोमवार के दिन दोपहर 2:25 पर समाप्त होगी। दोस्तों, ये पूनम, इसको सबसे बड़ी पूनम क्यों कहा जाता है? एक्चुअली जो पूनम का त्योहार है, इस दिन भगवान नारायण, माता लक्ष्मी, मतलब कि लक्ष्मी नारायण की होती है पूजा। जो लोग पूनम का व्रत करते हैं, कभी भी उनके घर में गरीबी नहीं आती, सिवाय कि फिर और कोई गलत काम करते हो। लेकिन नियम से जो भी व्यक्ति पूनम का व्रत करेगा, पूनम की कथा सुनता है, उसके जीवन में कभी गरीबी नहीं आ सकती, क्योंकि आज के दिन भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की जबरदस्त कृपा उतरती है अपने प्रत्येक भक्तों पर। इस पूनम को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा का विशेष महत्व इसलिए है दोस्तों, क्योंकि आज के दिन चांद 16 कलाओं में खिलता है। वैसे तो हर पूनम को खिलता है, लेकिन शरद पूर्णिमा का जो चांद है, इसकी बराबरी पूरे साल में जो भी पूनम आती है वो इसकी बराबरी नहीं कर सकती। ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण चांद आज के दिन उगता है वर्ष में एक बार। और इसका महत्व इसलिए भी इतना ज्यादा है कि आज के दिन समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। आप खुद सोच के देखिए, जिस दिन खुद माता लक्ष्मी प्रकट हुई है, और उस दिन यदि उनकी कोई पूजा करता है, उस दिन अगर कोई व्यक्ति उन्हें अपने घर में बुलाता है, उनका आह्वान करता है, क्या वो व्यक्ति कभी लाइफ में गरीब हो सकता है? नेवर। एक छोटा सा उपाय आपको बताने के लिए जा रही हूँ। जिंदगी भर पैसों में खेलोगे, यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। चैनल को बार बार आपसे कह रही हूँ सब्सक्राइब करें, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जब फोन करते हैं, कमेंट करते हैं कि हमें ये वाली वीडियो नहीं मिल रही है, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हर वीडियो YouTube आपको नहीं दिखाता है समय पर। कितनी बार आज डाली हुई वीडियो आपको बिल्कुल जिस दिन जो उपाय करना होता है उस दिन वो वीडियो आप तक पहुंचती है, जो आप कमेंट लिखते हैं कि आप पहले से वीडियो अपलोड करो, है ना। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आप जब जिस समय चाहेंगे चैनल पर आसानी से पहुंच जाएंगे। कोई भी समस्या हो, किसी भी दिन का, किसी भी वार का, कोई भी उपाय आपको चाहिए, कोई भी टोना टोट का उपाय, सब कुछ हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इसलिए अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज जो उपाय बता रही हूँ, इस उपाय को बड़े ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से। हर देवी, हर माता रानी का एक स्वरूप होता है, बराबर, और उनके हर स्वरूप का एक बीज मंत्र है। यदि आप उस बीज मंत्र का जाप करते हैं तो वो माता रानी का स्वरूप आपके साथ साक्षात्कार करता है और उनके तमाम आशीर्वाद आपको प्राप्त होते हैं। आपको क्या करना है, शरद पूर्णिमा वाले दिन माता लक्ष्मी का जो साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है वो है स्वयं श्रीम बीज मंत्र। जो भी व्यक्ति हमेशा लाइफ में श्रीम 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 इसका जाप करता रहता है दोस्तों, वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता। श्रीम बीज मंत्र साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है, साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप। आज के दिन जितना ज्यादा हो सके दोस्तों, इस बीज मंत्र का, इस एक अक्षर का आप मन ही मन जाप करते रहें। आपने देखा होगा दरवाजों पर भी लोग स्वयं लिखवाते हैं, है ना। जो बिजनेसमैन है वे अपने चौपड़े के ऊपर, फुल स्टेप के ऊपर भी स्वयं जरूर लिखते हैं। स्वयं बीज मंत्र अपने आप में जबरदस्त शक्ति लिए हुए है,
श्रेम बेज मंत्र के अंदर जो खनक है दोस्तों, ये खनक साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। और ये काम आज के दिन दोस्तों आप जरूर करें, जितना ज्यादा, वैसे तो आप सुबह उठते के साथ इस बीज मंत्र को बोले, दूसरा ज्यादा नहीं तो सुबह दोपहर शाम 3 बार 21-21 बार स्वयं 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 जरूर बोल डाले, किस्मत सोने जैसी चमकेगी। आज के दिन कोशिश करें लाल रंग के आप कपड़े पहने, भगवान नारायण के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करें, सुबह ना कर पाए तो शाम को जरूर करें। वैसे तो अभी समय समय पर मैं और भी वीडियोस अपलोड करती रहूंगी, आपको क्या क्या करना है शरद पूर्णिमा पर मैं तमाम आपको जानकारियां देती रहूंगी। सारे उपाय ना कर पाए तो कोई बात नहीं है, जो भी जितना भी जितना कुछ भी आप कर सकते हैं जरूर करें, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आता है, बहुत ही पावरफुल दिन है। और आज के दिन आपको करना क्या है, चावल पीस लेना है और उस पीसे हुए चावल में आपको हल्दी और कुमकुम इसको मिक्स कर लेना है, अच्छे से उसको मिक्स करें। और आप 3 पेड़ों पर जाएं, 3 अलग अलग तरह के पेड़ हैं, सबसे पहले आपको बरगद के पेड़ के पास जाना है। बरगद के पेड़ पर पहले आपको थोड़ा सा हल्दी वाला जल चढ़ा देना है, उन्हें अर्पित कर देना है। उसके बाद जो पेस्ट आप लेकर के गए हैं कुमकुम हल्दी और चावल का, उससे आप पहले 2 लाइन बनाएं, उसके बाद में श्रेम लिखें और फिर 2 लाइन बना दें। और बरगद के पेड़ के पास खड़े होकर के आप प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी मुझ पर प्रसन्न हो, हे माता लक्ष्मी मुझ पर प्रसन्न हो, हे माता लक्ष्मी मुझ पर प्रसन्न हो, 3 बार आप इसको बोल दें। सेम क्रिया आपको करना है पीपल के पेड़ के पास जाकर के, पीपल के पेड़ पर आपको हल्दी वाला जल अर्पित करना है और उसके बाद में उस पर आपको जो पेस्ट लेकर के गए हैं उससे पहले 2 लाइन बनाना है, फिर स्वयं लिखना है, फिर 2 खड़ी लाइनें बना देना है और उसके बाद में 3 बार आपको फिर से बोलना है, हे माता लक्ष्मी मुझ पर प्रसन्न, 3 बार आपको इसको बोलना है। इसके बाद में आप जाएं बीली पत्र के पौधे के पास या पेड़ के पास और उसके तने में भी आपको इसी तरीके से इसी क्रिया को करना है, ठीक है। इतना काम कर लेने के बाद आपको प्रत्येक पेड़ में से 1-1 पत्ती तोड़ लेनी है, बीली पत्र में से 3 पत्तियों वाली 1 पत्ती तोड़नी है। जब आप इस क्रिया को करते हैं उसी समय आप पत्ते को तोड़ लें पहले, उसके बाद आप इस क्रिया को करें। और आपको इन 3 चीजों को अपने घर में ले आना है, 3 ही पत्तियों को बराबर ला करके इसे धो करके साफ करना है। साफ करके आपको ये 3 चीजों से 3 ही पत्तों के ऊपर श्रेम 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 लिखना है और इसको एक प्लेट में रखना है, प्लेट में 3 पत्ते श्रेम 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 लिख करके आप रख दें। उसके बाद में इसके ऊपर आप अक्षत मतलब कि चावल आप इन्हें अर्पित करें, थोड़ा सा गुड़ अर्पित कर दें, गुड़ या चीनी दोनों में से कोई भी चीज आप इस पर चढ़ा दें, धूप दीप दिखा दें और इसके सामने बैठ करके ओम श्रीम श्रिये नमः 108 बार आप इस मंत्र को बोल दें। बोलने के बाद आप 3 ही पत्तों को पूरा दिन पूजा स्थान में रख करके रखें, संध्या समय इन 3 ही पत्तों को आप उठा लें, सबसे नीचे बरगद का पत्ता रखें, उसके ऊपर पीपल का पत्ता और उसके ऊपर बीली पत्र बेल पत्र का पत्ता, 3ों को ऐसे रोल कर दें और पीले रंग के धागे से आप बांध दें, बांध करके इसको धन स्थान में रख दें या अपनी पर्स में रख लें। दोस्तों गारंटी देती हूँ जिंदगी भर धन खत्म नहीं होगा, हाँ कोई बुरे कर्म ना करे, किसी का बुरा ना करे, क्योंकि हम कितनी बार अच्छे कर्म तो 10 मिनट के लिए करते हैं लेकिन बाकी के पूरा दिन गलत काम करते हैं तो फिर हमारे द्वारा किए गए उपाय रिजल्ट नहीं दिखा पाते। तो कर्म भी अच्छे करें, आप देखेंगे इस उपाय से जिंदगी चमचम आ जाएगी, करके देखिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए, अवश्य उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।